था कि भीम आर्मी की ओर से मैं फिलहाल जी जिस नेतृत्व तो चाहिए हाँ, सर जो नेतृत्व मैं कर रहा हूँ वो लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने आह्वान किया, भीम आर्मी ने आह्वान किया तो साथ ही निकल कर आए। ये सारा श्रेय जो है किसी को नहीं जाता, टोटल श्रेय चंद्रशेखर भाई की रिहाई का किसी को जाता है तो समाज को जाता है। जो समाज संविधान में विश्वास रखता है वो निकल कर बाहर आया, सड़कों पर आया और सरकार को जवाब देने का काम किया। सर जिस तरीके 2 अप्रैल का भी आंदोलन था उसमें जितने भी आंदोलन हुए सभी युवाओं की यही मांग थी या तो चंद्रशेखर को आज़ाद करो नहीं तो कुर्सी खाली करो। बिल्कुल, देखिए जब जब आप न्याय के लिए लड़ेंगे ये कोई नया नहीं हुआ है जी, ये इतिहास है। जब जब भी आप न्याय के लिए लड़ेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, गरीबों के लिए लड़ेंगे तो आपके साथ जनता खड़ी होगी। दूसरा, वो जो लोग हैं जो पूंजीपति समझते हैं अपने आप को, जो मनुवादी समझते हैं, उन लोगों पर बर्डन पड़ेगा कि उनको जोर पड़ता है जब उनकी सत्ता छिनती है जी। और हम तो सामाजिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं देश के अंदर, वही काम हम लोग कर रहे हैं, वही चंद्रशेखर भाई अब बाहर आ गए हैं, वही काम करेंगे। विनय रतन जी, जिस तरीके से एट्रोसिटी वाला मामला था वो हमारा वो राज्यसभा से और लोकसभा से पास हो गया, हालांकि महामहिम ने भी साइन कर दिया, उसके बाद फिर एक अनपढ़ गवार व्यक्ति ने आके भारत को बंद करने की कोशिश की, वो नाकाम रहा। फिर वो कहता है यदि अगर सरकार हमारी 2 महीने के बाद नहीं मानता है, सरकार नहीं मानती है तो हम दलितों को मंदिर में नहीं चढ़ने देंगे। देखिए वो उन्होंने बिल्कुल सही किया, उन्हें बहुत दिन पहले कर देना चाहिए था, कई हजार साल पहले, कि दलित मंदिर नहीं जाएगा। पहले पॉलिसी यही थी ना जी, हमारे महापुरुषों ने भी यही कहते चले गए, पहले उनकी पॉलिसी यही थी कि दलित मंदिर में नहीं जाएगा जी। आज भी उन्हें लागू कर देनी चाहिए बहुत जल्दी, दलित का मंदिर में उनका स्वागत करते हैं। नहीं, मैं स्वागत नहीं करता, मैं दलितों को धिक्कारता हूँ, क्योंकि दलितों का प्रवेश मंदिर में वर्जित हो जाना चाहिए। जिस दिन उनका प्रवेश मंदिर में वर्जित हो जाएगा उस दिन वो एजुकेशन की ओर अग्रसर होंगे, शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। जो व्यक्ति शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकता है, अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है, वो खुद का, समाज का, देश का आराम से प्रतिनिधित्व और विकास कर सकता है। तो आप आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं, अपने नौजवान साथियों क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी साथी से मात्र एक ही अपील है कि साथियों इस दौर में अगर कोई चीज़ बनाए रखने की सबसे ज़्यादा जरूरत है वो है शांति, संयम। बिल्कुल, संयम बना कर रखें, संविधान में पूरा विश्वास रखें जी। हमारी लड़ाई संवैधानिक है और हम जीतेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, ये तय है। तो आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि संविधान में पूरा विश्वास बनाकर रखें, भीम आर्मी के साथ आप लोग जुड़े आकर के। अगर आपको लगता है कि भीम आर्मी अपने सही कामों से पहचानी जा रही है, जानी जा रही है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में काम सही किया जा रहा है, तो आप आए, जुड़े और पूरी ताकत के साथ काम करें, क्योंकि अब लड़ाई परिवर्तन की है। इस देश में परिवर्तन ला कर रहेंगे, सदियों से जिस गुलामी का एहसास हम लोग करते आए हैं उस गुलामी की बेड़ियों को हम तोड़ देना चाहते हैं। और भीम आर्मी परिवर्तन करने में विश्वास कर रही है, वो बदलाव करना चाहती है, वो किसी से बदला लेना नहीं चाहती। तो आप भी इस चीज़ को समझिए कि हमें उन सब लोगों को भी बदलना है जो आज तुच्छ मानसिकता का शिकार है। यही अंबेडकरवाद है, यही अंबेडकर मिशन है। भीम रतन जी, जिस तरीके से यहाँ जब से ये हमारे चंद्रशेखर भाई जी रिहा होकर आए हैं तो यहाँ तरह तरह के लोग आ रहे हैं और भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग आ रहे हैं, तो वो किस तरीके की मंशा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मुलाकात आपसे होती है? देखिए जो साथी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी मंशा क्या है कि मैं राजनीति को ज़्यादा समझना भी नहीं चाहता जी। मेरा अपना रहे है कि मैं नहीं समझना चाहता, मैं समझाना चाहता हूँ ग्राउंड लेवल से जी। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, गरीब, रिक्शा चलाने वाले मजदूर, वो सब राजनीति समझे, अच्छी बात है, वही मेरा काम है। वो किस तरह की मंशा लेकर आ रहे हैं ये मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन वो यहाँ पर आ रहे हैं अपने निस्वार्थ भाव से, लोग यहाँ आ रहे हैं, हम लोग भी उनसे निस्वार्थ भाव से मिल रहे हैं, किसी प्रकार का गिव एंड टेक वाला कोई मामला नहीं है, खुले दरबार हैं, जो मर्जी आ सकता है मिले, बात करते हैं। वो शेखर भाई से मिलना चाहते हैं तो आ रहे हैं, वो शायद शेखर भाई से प्रेम करते हैं इसलिए आ रहे हैं, वो तो उनकी मंशा है। हम स्वागत कर रहे हैं जो भी व्यक्ति आकर आए मिले, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी के लोग आ रहे हैं, OBC समाज के लोग आ रहे हैं, इवन जनरल भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लीडर्स भी आ रहे हैं और ग्राउंड ग्रास लेवल के जो ग्राउंड पर लोग काम करते हैं वो भी आ रहे हैं, जिनको कोई जानता नहीं है जी। तो सबका स्वागत है परिवर्तन की लड़ाई में जो सातारा चाह रहे हैं।